भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर आज बंगाल है और हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं। उससे पहले मैं बताऊं कि आज जो बड़ी खबर वो ये हुई कि राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी बोल रहे थे, इनके एमपी तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे। इस्तीफा देने से पहले वो ये बोले कि मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तमाम सारी बातें, पहले इस तरफ नजर फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। टीएमसी में भगदड़ जारी, दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा। टीएमसी में घुटन को बताई वजह, ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन राज्यसभा में कोरोना महामारी और किसानों के मुद्दों को कई सांसद जोर शोर से उठा रहे थे, तभी टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आसन से अपनी बात कहने के लिए कुछ मिनट की मोहलत मांगी। मुझे 5 मिनट दे दीजिए, बहुत गंभीर। 5 मिनट नहीं, बहुत सर, 1-2 मिनट में ब्रीफली गंभीर सर जी। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज उन्होंने बताया, जिसे सुनकर पूरा सदन सन्न रह गया। हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई। अब मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं, देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। अंतरात्मा की आवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र, संकेतों में तारीफ, हर शब्द में झांकने की कोशिश पर इशारे मिलने लगे कि कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। और फिर वो घड़ी आ भी गई जब उन्होंने बंगाल की हिंसा से लेकर अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस करने का जिक्र करके सियासी भूचाल पैदा कर दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़ मर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाए पाखुजे पाबे गो ना गो तुमी शेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। राष्ट्रवाद की बात के बाद दिनेश त्रिवेदी को स्वामी विवेकानंद भी याद आए। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप
त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस। दिनेश त्रिवेदी जब टीएमसी सांसद के रूप में अपने दिल का हाल बता रहे थे तो उनके पास बैठे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल उन्हें एक टक देखते रहे। त्रिवेदी के दिल में क्या कुछ चल रहा था इससे हर कोई अनजान था, लेकिन जब त्रिवेदी के दिल का बोझ कम हुआ तो बीजेपी की तरफ से उन्हें गले लगाने वाले बयान आने लगे, खासकर बंगाल चुनाव की रणनीतियों में लगे दिग्गजों की तरफ से, चाहे फिर वो दिलीप घोष हों या फिर कैलाश विजयवर्गीय। जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी हो गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी हो गई। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था, ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है, आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए, आइए हाथ बटाइए, बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे। दिनेश त्रिवेदी ने अपने फैसले की वजह राष्ट्रहित को बताया। उन्होंने दावा किया कि जब पार्टी और देश में से एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने फैसला ले लिया। जाहिर है टीएमसी में दिनेश त्रिवेदी जैसे कद्दावर नेता का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं, जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और बहस को आगे बढ़ाएंगे। रिजू दत्ता टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू। आरपी सिंह हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आरपी सिंह साहब। संदीप चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच संदीपा। अमर हैदर जैदी साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच अमर हैदर जैदी साहब। और हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ होंगे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले निश्चित तौर से मैं रिजू के पास ही जाना चाहूँगा। रिजू, उन्होंने कहा कि जिनको काखा गागा नहीं आता वो पार्टी के नेता बने हुए हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? पहले तो ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जिनको काखा गागा नहीं आता वो पार्टी के नेता बने हुए हैं ये, और एक आपका बड़ा आधार स्तंभ फिर चला गया। पहले तो नमस्कार प्रतीक जी, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं आपका डिबेट शुरू करने से पहले अपना पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो दिनेश त्रिवेदी के त्याग के बाद पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ये एक ग्रास रूट पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और इससे एक मौका ये मिला है उनके त्याग के बाद कि हमारे पार्टी के ग्रास रूट किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा जो पार्टी की विचारधारा पार्टी के आदर्श का पूर्ण सम्मान करता है। ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने बताया आपके चैनल पे। अब आता हूं मैं आपके डिबेट पे दिनेश त्रिवेदी जी को लेकर। हमें और आपको और दर्शकों को, प्रतीक जी आपको नहीं चलिए दर्शकों को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि दिनेश त्रिवेदी जी कौन है। दिनेश त्रिवेदी जी एक शिक्षित वरिष्ठ देश के नेता। आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, आरपी सिंह साहब आ रहा हूँ मैं। आप जब हंसने लगे मुझे मालूम है क्यों हंस रहे हैं आप। ठीक है, मैं एक मिनट बात कर लूँ फिर वो हंसते। तो वो रेल मंत्री रह चुके हैं, पहले वो तीन बार अपना जर्सी बदल कर चुके हैं, जनता दल, कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस। 98 में जब उन्होंने दीदी का हाथ थामा उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया दीदी ने, उसके बाद वो लोकसभा से टिकट मिला उनको, वो लोकसभा से जीते, वो रेल मंत्री भी बने। उसके बाद जब 2019 में लोकसभा वो हार गए तब वो राज्यसभा, दीदी ने उनको इतना सम्मान दिया कि वो राज्यसभा भी गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये है जो दर्शकों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी के नाम में ममता है, उनका दिल सागर जैसा बड़ा है, वो सबको इज्जत सम्मान और प्यार देते हैं, हमको भी देते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को, बट हमारा भी तो जिम्मेदारी बनता है उनका प्यार मोहब्बत और इज्जत को वापस करना, उनकी विचारधारा और आदर्शों का पालन करना। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि
कौन सही है और कौन गलत है, वो उंगली उठा रहे हैं कि जिनको काका गागा नहीं आता है वो पार्टी के नेता बने बैठे। अरे काका गागा नहीं आता है वो पार्टी के नेता भागर बन के बैठे हैं फिर भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ये है कौन? अभिषेक की तरफ इशारा है, हमको क्या पता, वो उनसे आप जाके पूछिए, उनका आत्मा तो 10 साल सो रही थी, अभी इलेक्शन के 7 दिन डिक्लेयर होने के 7 दिन पहले उनकी आत्मा जागी है। बीजेपी पूरे देश में मालूम है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन थी, अभी तो हमको लग रहा है बीजेपी आईसीयू वार्ड बन गया, जिसको घुटन महसूस हो रहा है वो बीजेपी जा रहा है। अब बताइए ना ये क्या चक्कर चल रहा है रिजू, मैं बताऊं आपकी, मैं आपकी बात 5 सेकंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बंगाल जैसा इलेक्शन जो देश का देश की जैसा इलेक्शन बन गया है, इसमें बहुत नेता आएंगे बहुत नेता जाएंगे, हमारा चेहरा ममता बनर्जी और उनके साथ देश के लोग और उनके ग्रास रूट कैडर और बूथ वर्कर्स उनके साथ है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रिजू मैं बल्कि बताऊं, मैं देख रहा था कुछ पन्ने पलट रहा था, रिएक्शन देख रहा था, एक रिएक्शन तृणमूल कांग्रेस का बड़ा अच्छा आया, उसने बोला दीदी ने तो सब कुछ दिया, दीदी ने तो दिनेश त्रिवेदी जी को सब कुछ दिया, बस वो एक चीज नहीं दे पाई और वो ये था कि नोबेल प्राइज नहीं दे पाई, बाकी तो सब कुछ उन्होंने दिया जो आप कह रहे थे वो तो बात सही है, लेकिन 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 आपने भी कहा, लेकिन एक बात है कि वो घुटन महसूस होने वाली बात, काखा काका ना जानने वाले नेता बने हुए वो इशारा करने वाली बात, ये सभी कहते हैं जैसे ही जाते हैं वो कहने लगते हैं। आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, और संदीपा मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी में भी रहे हैं, ऑफकोर्स सर मैं आ रहा हूँ, प्रोफेसर मैं बल्कि आपका इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं कह रहा था आज आपने टाइम दिया है, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी रंगी तरागी साहब, लेकिन आरपी सिंह साहब देखिए प्रतीक, आपको राजनीतिक क्षेत्र को देखते कवर करते लगभग 25 साल के लगभग हो गए जी, ज्यादा भी हो गए होंगे, बस थोड़ा कम, चलिए 20-22 हो गए होंगे जी, और लगभग 47 साल मुझे हो गए राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, मैंने अखबार में भी काम किया है और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करता हूँ, परंतु मैंने ऐसा हास्यपद जवाब कभी सुना नहीं, और ये हर बार आप अच्छा अभी परसों फिर एक कोई जाएगा इनके परसों बुला लेना, इनका जवाब वही मिलेगा, एक रटा रटाया जवाब है। आप कह रहे हैं यू आर प्रिडिक्टिंग कि परसों कोई एक और जाएगा, मतलब आप ये बार बार ये तृणमूल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि परसों कोई एक और जाएगा, तो कौन है नाम बता दीजिए ना। अच्छा अब मैं नाम पे तो बाद में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो जाने से पहले कुछ इशारा कर दूंगा, पर वो इशू वो नहीं है, इशू है कि इनका रटा रटा जवाब आएगा कि दीदी का दिल बड़ा बड़ा है, दीदी बहुत ममता में ही है, इसलिए तो लंबी सूची है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, दीपक हल्दर, रजीव बनर्जी, विशाली डालमिया, परभेर घोषाल, रजिमा चक्रवर्ती, पारथ चर्दी चटर्जी, अरिंदम भट्टाचार्य, ऐसी एक लंबी सूची, एक लंबी सूची और आगे वाली सूची भी है एक ऐसी, असल में सच ये वो है। आज आगे वाली सूची लेके आना चाहिए था ना आरपी सिंह साहब, तो बात कुछ बनती। मैंने आपको 10 बार टोक सकता था, एक बार ही टोका आपको, हकीकत जो हकीकत है वो समझनी चाहिए, ये अभी कह रहे हैं ये कहां से आए थे, कौन सी पार्टी से आए थे, ये 4 बार पार्टियां बदल चुके हैं, ये सब गाना गा रहे थे। अरे दीदी भी तो किसी पार्टी से आई थी ना, आपकी पार्टी तो कई सारी पार्टियों का घालमेल बनकर पार्टी बनी थी ना, ऐसी थोड़ा थी कोई बन गई थी पार्टी, कोई ममता बनर्जी ही कोई देवी पैदा हुई थी, एक अलग से पार्टी खड़ी कर ली, ममता बनर्जी दीदी तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, और जिस प्रकार का युद्ध, जिस प्रकार का मामला वो वहां पर करती थी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, आज वो उन्होंने पिछले अपने दो काल में वो किया है, और इसलिए लोग तंग है कि जिस चीज से हमने छुटकारा पाना चाह वामपंथ से, आज एग्जैक्टली वही दीदी वहां पे कर रही है, इसलिए घुटन है, इसलिए लोग तंग है, तब वामपंथ से लोगों को घुटन थी, तब दीदी के पास आए, आज दीदी ने उसी कार्य पद्धति को अडॉप्ट किया, उसी कारण से लोग तंग है, और खास कर इनके यहाँ ये पता नहीं नाम लेते क्यों हिचकिचाते हैं अपने अपने दीदी के चेते लोगों का, उन दो लोगों के कारण से इनके यहाँ लोग तंग है, लोग बड़ा स्पष्ट मुंह पे कहकर जाते हैं कि हमने पार्टी के लिए खून दिया, हमने पार्टी के लिए जान दी, हमने पार्टी के लिए समय दिया, हमने पार्टी को खड़ा किया, आज कोई बाहर का आदमी आकर हमें बताएगा कैसे पार्टी चलानी है, हमें हमारा भविष्य वो तय करेगा क्या, या आपका भतीजा तय करेगा पार्टी में विषय की पार्टी कैसे चलानी है, या हमारा भविष्य क्या होगा, दिनेश त्रिवेदी जी का भविष्य अभिषेक तय करेंगे क्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल लगा दिया। राइट राइट सर,
राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। रिजु को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, देन संदीप आपका। हाँ, मैं चार पॉइंट उन्होंने कहा, मैं चारों का एक एक करके जवाब देता हूँ। उन्होंने बोला दीदी कहाँ से आई थी। दीदी पहले कांग्रेस छात्र लीडर से कांग्रेस में गई, फिर कांग्रेस से। एक चीज याद रखिएगा आरपी सिंह जी, दीदी ने कभी जर्सी बदल नहीं किया था, उनका आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ मिल नहीं रहा था, इसलिए उनमें इतना आइडियोलॉजी क्या है ये तो बता दो। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना आरपी सिंह जी, आइडियोलॉजी तो बता दो। आप बड़ा आइडियोलॉजी बता दो क्या। बोला जवाब नहीं सुनना आप लोग। सर मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, दीदी की आइडियोलॉजी भी बता दो। मैं बता देता हूँ आप लोग को, दीदी के दीदी जो है ना वो किसान के हित की आइडियोलॉजी, वो लोगों की हित की आइडियोलॉजी, इसलिए उन्होंने जर्सी नहीं बताया। सर आइडियोलॉजी बताओ, आइडियोलॉजी क्या है जो सोनार बंगला हमारी आइडियोलॉजी, हम कह रहे हैं सोनार बंगला की बात, आप बताओ दीदी की आइडियोलॉजी क्या है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए, आप लोगों को तो जवाब नहीं सुनना होता है। दीदी तो एक एमपी से शुरू किया था, आज 36 एमपी और 200 एमएलए पे खड़ी है, तो यह है दीदी का राजनीतिक उत्थान। अरे मैं दीदी की आइडियोलॉजी पूछ रहा हूँ। दूसरा बात आप लोगों को मैं यह कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए रिजु कंटिन्यू, आइडियोलॉजी क्या, सुन लीजिए रिजु की बात, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ संदीप, आ रहा हूँ आरपी सिंह साहब, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए रिजु, पता आप लोगों का मुद्दा नहीं रिजु। दूसरा बात आपने कहा कि दिनेश त्रिवेदी जी के बारे में, मैं आपको एक चीज इतना देता हूँ कि इतिहास गद्दारों को माफ नहीं करता, तो बंगाल की जनता क्या करेगी। जी क्या दीदी की, तीसरा बात कट मनी के अलावा क्या जरूरी है बता दो मेरे को, क्या हो गया आपको पता है। ये अभी बीजेपी वर्सेस टीएमसी का लड़ाई नहीं है, यह टीएमसी ओरिजिनल वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी का लड़ाई है, टीएमसी ओरिजिनल वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी। राइट सर, संदीपा 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 का संदीपा चक्र, रिजु 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 जी रिजु जी रिजु जी, मैं आ रहा हूं, रिजु आ रहा हूं, कमिंग, थोड़ा शांत हो जाइए। दीदी के उत्थान के बारे में, दीदी के उत्थान के बारे में आप बता रहे हो, दीदी के पतन भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना प्रतीक जी, कि यहाँ पे बंगाल में सारे 9 साल 10 साल तक वन वुमन शो चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, हाँ इन्होंने सही बोला, ममता दीदी इतनी ममता की आधार है यहाँ पे कि इनको मतलब जनगण के बारे में, जनता के बारे में कोई परवाह नहीं है, इतनी ममता के आधार है इनमें कि इनको सिर्फ अपने अपने टीम का, अपने टीएमसी का, अपने पॉलिटिकल पार्टी का, अपने लोग जो है, जो कि एकदम दुर्नीतिग्रस्त है, उनको बचाने के लिए ये पूरा सारे 9 साल उन्होंने लगा दिया, इतनी ममता की आधार है। तो माँ माटी मानुष की स्लोगन दे के जो ये आए थे ये टीएमसी, तो यहाँ पे माँ की आंचल को बेआबरू किया गया, माटी को सिंडिकेट राज के बदौलत माटी को, माटी की धजिया उड़ाया। अरे ये रटा रटा एक नैरेटिव है, जवाब दे थोड़ा संदीपा जी। रिजु जी बता नहीं, बोल नहीं दीजिए रिजु जी, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोले थे, ये कॉल तो ना संस्कृति ना इखने आनबे ना करे, ठीक है रिजु जी, बोल नहीं दीजिए, बोल बोल लीजिए। राइट राइट, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये मानस जो है, जो मानुष की बात ये लोग कर रहे हैं, मानुष को बाउंड किया गया, मजबूर किया गया अपने अपनी गले में फंदा बांधने के लिए, ये क्यों हुआ आज की डेट में, ये क्यों हुआ, ये हम लोगों को देखना चाहिए। बेरोजगारी है यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के जमाने से जो चलती आ रही है, पूरा का पूरा इसको बर्बाद कर दिया गया। एक कोविड ने हमको दिखा दिया कि क्या हालत है बंगाल की यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो यहाँ पे सारे जो जितने सारे इंस्टीट्यूशंस थे, एक आंकड़ा में बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 1200 समथिंग का एक आंकड़ा था, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये अभी इस साल में दिखाया गया कि पूरा 653 इंस्टीट्यूशन गायब है यहाँ से, पूरा गायब, इसका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये चल रहा है, ये जो जुमलाबाजी चल रहा है ना, ये सारे 9 साल से 10 साल से चल रहा है। और ये लोग जो बोल रहे थे ना कि दिनेश त्रिवेदी जी दिनेश त्रिवेदी इन लोगों को छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजु जी बोलने दीजिए, रिजु जी जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेंटेन योर सेल्फ, बोलिए बोलिए बोलिए, और कितना बाकी है बोल लीजिए, थोड़ा पेपर देख के। जब आप बोल रहे थे आपको मौका दिया गया, जब आप बोल रहे थे आपको मौका दिया जा रहा है, आपको आपको इतनी क्यों लग रही है, 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 क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ बंगाल की, इसलिए
अच्छा असलियत बता रहे हो बंगाल की, इसलिए तो पहला असलियत इसलिए आपको इतना झगड़ा हो रहा है। राहुल बाबा कहां है आपके बंगाल में, इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है। और दूसरा सवाल दीदी, आपको बंगाल की निवासी है, शास्त्रों का किताब बनाया आपने तृणमूल कांग्रेस का जो मुखौटा दीदी बंगाल में ना सामने आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है 5 लाख का, आप लोग आपने शास्त्रों का किताब बनाया चीज करके। मैं तो आपके भले के लिए पूछ रहा हूं, सत्ते में आए थे आज से 10 साल पहले, 9.5 साल पहले, तापसी मालिक जैसी ऐसे पता नहीं कितने हजार राहुल जी कहां पर है चढ़ के, ये लोग मसनद पे आए हैं, सत्ते पे आए हैं, ये टीएमसी और इसके सुप्रीमो। मैं राहुल जी कहां पर है, ममता बनर्जी गांधी और प्रियंका गांधी जी कहां पर है, ममता बनर्जी भले ही संविधान पे हाथ रखे, आप केरल में सीपीएम के साथ गोलीबारी कर रहे हैं और यहां पर आप सीपीएम बैठ के चाट रहे हैं। आज तक ममता बनर्जी टीएमसी के लीडरशिप के बाहर निकल ही नहीं पाए, टीएमसी के लीडरशिप इनको अभी अच्छा आप गांधी परिवार के बाहर निकल गए क्या संदीपा जी, वो वाला मेंटेलिटी रख के वो बंगाल चला रहे थे, राइट राइट आमिर छवि रख के वो रास्ते पे। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, संदीपा आगे डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आपने पॉइंट्स अपने रेज किए, अभी पैनल में 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं बोले हैं। आमिर आदर जदी साहब, प्रतीक भाई मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमा इनको के रास्ता कट रहा है, यकी हमको के मंजिल खो रहे हैं। क्या बात है भाई, कौन सी राजनीति है बंगाल के अंदर? अब आप बताओ, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो आप ही बताओगे। वाम तो मैं उसके लिए यही कह सकता हूं कि कहना चाहिए तू के नावाकिफ है आदाब गुलामी से, रक्स जंजीर पहन कर भी किया करते हैं। अब मसला ये है कि उधर या इधर कौन किसकी जंजीर पहनेगा ये तो वो तय करेंगे, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो बिल्कुल आजाद राजनीति करता हूँ। आज आप क्योंकि आप शेर से अपना अंदाज शुरू करते हैं तो मुझे तो बस वही एक बात ध्यान आती है। मुझे तो कहावत तौर की बात एक है, वो कहते हैं कि जब डूबने लगता है तो कोई सबसे पहले जाने की तरफ उधर कोशिश करता है, उस कहावत में आप यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, प्रतीक भाई हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। अच्छा, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मसला ये है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी कम से कम आज माफी मांगे देश से। जो आज बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को माफिया बता रहे हैं या अपराधी बता रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी वाले ममता बनर्जी को दुर्गा का अवतार बताते थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती तो ये प्रतीक भाई कि आज जो सामाजिक विश्लेषक या जो और आज़ाद पत्रकार बैठ के कहते हैं कि साहब वामपंथ के दौर में हिंसा होती थी, वामपंथ के दौर में क्या 84 के दंगे हुए थे, वामपंथ के दौर में क्या गुजरात हुआ था, वहाँ का वामपंथ की सरकार थी, भिमंडिया क्या भागलपुर हुआ था, कुछ नहीं हुआ होगा। 37 साल की हुकूमत में एक दंगा नहीं हो सकता है, लेकिन वामपंथ का पीछा नहीं छोड़ते। आज भी पिछले हम 3 साल से देख रहे हैं टीवी डिबेट के अंदर इस बात पर डिबेट होती है, 3 साल से इस बात पर डिबेट हो रही है कि ममता बनर्जी के लोगों ने बीजेपी की रैली को इजाजत नहीं दी या पत्थर मार दिया, या बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी के लोगों को पत्थर मार दिया। कोई स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, बंगाल की समस्या पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं बात करता हूं, मैं करता हूं। अवधेश जी, मैं आपको कह रहा हूं, अवधेश जी, लेकिन अब वो एक शेर सुना रहे थे तो वो एक शेर तो मुझे पूरा सुनाऊंगा तो वक्त ज्यादा है तो लगेगा। तो वे कहते हैं कि दरिया जब समंदर से मिलता है तो दरिया नहीं रहता। बहरहाल इसके मतलब निकालिए। अवधेश जी, इन्होंने कहा कि कुछ स्वतंत्र पत्रकार जब यहाँ पे मौजूद हैं तो वो ये बात पीछा नहीं छोड़ते, हमारे लेफ्ट का वाम पक्ष का। आमिर हसन जी हमारे पुराने मित्र हैं, मैं भी एक शेर से ही शुरू कर देता हूँ। नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। तो मेरा तो ऐसा है, क्या बात है प्रतीक जी, ममता बनर्जी का उत्थान वाम पंथियों की अपनी विफलता, हिंसा में उन्मुक्त होकर संलग्न रहने के कारण हुआ। आज ये भी छात्र नेता रहे हैं और मैं लंबे समय से इनको जानता हूं,
क्या ये भूल गए 21 जुलाई 1996 को जब ममता बनर्जी ने रायटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च किया था, कम्युनिस्टों ने पहले हमला किया, पुलिस ने हमला किया, 13 युवा कांग्रेस के नेता उसमें मारे गए थे। उससे बड़ा प्रकट वायलेंस तो कभी वेस्ट बंगाल ने देखा ही नहीं। और इन्हीं के गृह मंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने 1997 में विधानसभा में बाजाप्ता स्टेटमेंट दिया था कि यह दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा देश में सर्वाधिक है और हम भी उसको रोकने में उस ढंग से सफल नहीं है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 1977 से लेकर 1996 तक 28,000 लोग पोलिटिकल वायलेंस में मारे गए हैं। और आप समझिए 1977 से इनकी ही सरकार थी, और किसकी सरकार थी वहां पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए। और नंदीग्राम और सिंगूर का तो आपने भी देखा है और हम लोगों ने भी देखा कि कैसे सीपीएम के लोग वहां हिंसा करा रहे थे। और एक बात और है प्रतीक जी, विधानसभा लोकसभा में तो सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और बाकी तीसरी जो पार्टी है वो सीपीएम साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन पंचायत चुनाव में इनके बीच इतने खून खराबे होते हैं। पुराने जरा अखबार पलट लीजिए आप, फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम से लड़ रही है, हार रही है। तो राजनीतिक हिंसा की संस्कृति नक्सलवादी आंदोलन के साथ जो आरंभ हुआ वो वामपंथियों की देन थी। कांग्रेस उसके खिलाफ बड़ी निष्ठुरता से और बड़ी बेरहमी से पेश आई थी। कांग्रेस ने हिंसा कराया, उसी को वामपंथियों ने आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी उसके खिलाफ लड़के आई, लेकिन उस संस्कृति को आगे बढ़ा। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। अवधेश जी, आई विल गिव यू टाइम, लेकिन हमारे साथ मौजूद है संगीत रागी साहब। संगीत रागी साहब, आप बहुत पहले से हाथ उठा रहे थे, मैं माफी चाहता हूं, और आज आपने वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कहा था मैं आज बिजी हूं, लेकिन आप उसके बावजूद टाइम दिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए प्रतीक जी, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। मुझे याद नहीं है, मैं करीब 40 साल से भारत की राजनीति को देख रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा याद नहीं है जिसमें बंगाल के ऋषियों और बंगाल के पुरोधाओं के बारे में इतनी चर्चा हुई हो। विवेकानंद, बंकिम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तमाम वो रामकृष्ण परमहंस, इसकी चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस ने तो भारत के सांस्कृतिक विरासत को ठुकरा ही दिया था, लेकिन जब वामपंथ आया तो वामपंथ ने चाहा कि उस सांस्कृतिक विरासत को 6 फुट नीचे गाड़ दें। अभी अभी मेरे लेख, उसके बाद ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी से उम्मीद ऐसी थी, लेकिन ममता बनर्जी फिर उसी रास्तों पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वामपंथ चल रहा था, यानी बांग्लादेश से आए हुए लोग जिनके पुरखों ने इस भारत का विभाजन किया था, उनके सिटीजनशिप उनको अवैध रूप से बसाने के काम में वो लग गई, उनको सिटीजनशिप देने की बात करने लगी, उनके अवैध रूप से रहने को लेजिटिमाइट करना शुरू किया। और जो राजनीतिक हत्या की संस्कृति थी, मैं सिर्फ एक छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा, वर्धमान जिले के सेनबारी गांव, सेनबारी को कौन नहीं जानता है। एक रिक्शा वाला भी यदि आप उस छोटे से स्टेशन पर उतरेंगे और पूछेंगे तो उसके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। जब सीपीएम के गुंडों ने एक घर के सेन साहब एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कांग्रेस के समर्थक थे, उनके दोनों भाइयों को मारा, मारने के बाद उनकी मां को खून पिलाया और हाथ में खून लेकर के उनकी साड़ी पर छींटे बिखेरते हुए चले गए। वो क्यों किया गया था? ताकि सीपीएम के खिलाफ जितने लोग हों उनमें एक भय का माहौल हो, एक टेरर की संस्कृति जो थी वह सीपीएम ने खड़ा किया था। नतीजा यह है कि बोलपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से हमारे लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी चुन करके आते थे, वहां पर इतनी वोटिंग की गई थी जितने मतपत्र नहीं थे। ये बंगाल उदयन नंबूदरी पाद की पुस्तक है, कोई उसको पढ़ ले और इन सारी चीजों का जिक्र आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपके संतोष पूरी बस 10 सेकंड और संतोष भट्टाचार्य की एक किताब थी, रेड हैमर ऑन कैलकटा यूनिवर्सिटी,
क्या वाइस चांसलर्स और शिक्षा जगत का हुआ, क्या हालत उद्योगों का हुआ। कलकत्ता जब पहले ठुमरी गाया जाता था बिहार और बंगाल में, तो कहा जाता था सैया गए परदेश। प्रेमचंद के उपन्यासों में जब परदेश का बात होता था, वो कलकत्ता नायक भाग करके जाता था। और ये आख्यान इसलिए हुआ करते थे क्योंकि कलकत्ता एक औद्योगिक नगरी के तौर पर था, तो बॉम्बे नहीं नायक भाग करके जाता था। उस बंगाल की विरासत को सीपीएम ने बर्बाद करके छोड़ दिया। बिल्कुल, आमिर हैदर जैदी साहब को ही मौका दूंगा मैं। नहीं सर, सर आरपी सिंह साहब, क्योंकि मौका बनता है आमिर हैदर जैदी साहब के लिए। बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आगे बढ़ता हूं। आपका एक बार फिर स्वागत है। संदीपा, मैं आपके पास आता हूं और आरपी सिंह साहब ने भी हाथ उठाया था, मैं आपके पास भी आता हूं। लेकिन कुछ सवाल प्रोफेसर संगीत रागी ने ब्रेक से पहले और उसे कुछ देर पहले अवधेश कुमार जी ने कहे थे, और ये तकाजा है कि बैलेंस में बैलेंस होना चाहिए और आमिर हैदर जैदी साहब को मौका मिलना चाहिए कि वो जवाब दें। तभी हमें बिल्कुल, ऑफकोर्स रिजू, ऑफकोर्स मैं आ जाऊँगा आपके पास। आपके बगैर तो डिबेट ही अधूरी है, तो आपको तो पास आना ही है मेरे। लेकिन सच ये है कि आमिर हैदर जैदी साहब को मौका मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स आमिर हैदर जैदी साहब। अवधेश जी और रंजीत रागी भाई दोनों मिलके जवाब दे दे, दोनों मेरे मित्र हैं, कि जब त्रिपुरा के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर जल रहे थे, तो वो हिंसा कौन कर रहा था, बता दे मुझे मेरे मित्र मिलके दोनों के दोनों। तो ये एक इनकी एक मानसिकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का बुखार अभी तक इनके जहनों से नहीं उतरता है। दूसरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने गिनाए इन्हें, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुर, भागलपुर, क्या जब गुजरात के अंदर कत्लेआम आ रहा था, क्या वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी? जब दिल्ली के अंदर 84 हो रहा था, जब क्या यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी? ये इनकी समझ में नहीं आता। कल ये ममता बन, जब नंदीग्राम का आंदोलन चल रहा था, इस पर जवाब दे दे तो ममता बन और बीजेपी के लोग स्कूटर से घुमा करते थे, साइकिल से और पैदल घूमते थे। आज बीजेपी के लोग बंगाल के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जा रहे हैं, फिर भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। तो सर आगे जवाब दें, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। चरित्र था यह आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई ममता बनर्जी है, यह इनका चरित्र है। जवाब अभी इनके जहन से कम जवाब उतरता क्यों नहीं भाई जी? जवाब आमिर जैदी जी, देखिए गुजरात की जो हिंसा थी वह एक स्वतः स्फूर्त हिंसा थी। हिंदू मुसलमानों के बीच में कई ऐसी दरारें हैं जिसके बीच में यह ऐसी हिंसा होती रही है, वो छोटी छोटी चीजों पर होती रही हैं। और यह नहीं भूलना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए कि 397 हिंदू भी मारे गए थे गुजरात के अंदर दंगों में। तो ये एक तरफा तो बिल्कुल नहीं था। यदि 62 यदि आप 58 हिंदुओं को एक चिकन की तरह आप रोस्ट कर देंगे, जला देंगे, और वह भी एक घृणित हिंसा धार्मिक उन्माद में, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। और प्रधानमंत्री को राष्ट्र धर्म याद दिलाना पड़ा, एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए स्वतः हिंसा और एक राजनीतिक प्रायोजित हिंसा, इन दोनों के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। आप जब डोमिनेंस के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, और कोई एक जगह नहीं है ऐसा, सेन बारी अकेले नहीं है साहब, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जहां पर पूरे परिवार को इसलिए मार डाला गया ताकि वो सपोर्टर हो। इस प्रकार की हिंसा तो एक माफ कीजिएगा, ये तो ऐसे है जैसे राजनीतिक काफिर हो, कि एक राजनीतिक काफिर वो है जो हमारी पार्टी का नहीं हो, वो राजनीतिक काफिर है और हम उसको मार डालें। जैसे धार्मिक काफिर होता है कि आपके धर्म का नहीं हो तो हम उसको मार डालें, उसको मारने की इजाजत है। तो वैसे ही जो ये दिल्ली के अंदर बैठे हैं, ये राजनीतिक काफिर है सारे के सारे। तो ये वामपंथ का, सुन लीजिए, बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, राजनीतिक काफिर नहीं, 10 सेकंड लूंगा। ये तो देश के किसान है भाई। वामपंथ का चरित्र आप सोवियत यूनियन में देखने को मिलेगा, 10 लाख लोगों को स्टालिन ने और उसके बाद के लोगों ने मरवाया। माओ त्से तुंग ने कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कितने लोगों की हत्याएं करवा दी,
स्टालिन से परेशानी आपको ये है कि मैं बंगाल पे लौटता हूँ, मैं बंगाल पे लौटता हूँ, मुद्दे पे लौटता हूँ, बंगाल पे आता हूँ, बंगाल पे, बंगाल के चुनाव पे लौटता हूँ। और आज जो इस्तीफा, वारपी सिंह साहब ऑफकोर्स मुझे दो चार पंक्ति बोलना पड़ेगा। जी जी, आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा टाइम, बिल्कुल दे दूंगा। आधा सेकंड कुल। आरपी सिंह साहब, संदीपा, मुझे सर इतना कहना कि इसी डिबेट के दौरान किसी ने मुझे एक शेर भेजा है और वो जैदी साहब के लिए और हमारे जो टीएमसी के मित्र उनके लिए भेजे, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। मेरा नहीं है, मुजफ्फर वारसी साहब का शेर है, औरों को औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरबा झाका नहीं जाता। सर बाकियों पर छोड़ो, आपने क्या किया है 6 साल इधर के और पहले, सॉरी 9.5 साल इधर के और पहले का जो काल रहा, किस प्रकार हत्याएं की, किस प्रकार आपने राजनीतिक हत्या की, सारी दुनिया को पता है। किससे आम है, आपने लगभग 300 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की है इन दिनों में। जी मैं संदीपा जी, आपको संदीपा, आप ही का बात, मैंने उसके बाद रिजू जी, थैंक यू। तो एक्चुअली ये बीजेपी और टीएमसी का जो ये दल बदल का जो राजनीति चल रहा है अभी, और यहाँ पे स्क्रीन में भी ये टीएमसी और बीजेपी वाले एक दूसरे को कोस रहे हैं, ये देख के मुझे देखिए, जैसे कि बंगाल, जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, तो बंगाल वैसे नजरुल का भी है, काजी नजरुल इस्लाम का। जी, तो बिल्कुल। काजी नजरुल इस्लाम का दो लाइन बस मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। भैया जी कहीं में आज सबके पास तैयारी है, वाह क्या बात है। मुझे तो किसी ने भेज दिया, आपके जैसे ऐसे इतना उमदा नॉलेज तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ आप ही लोगों को देख। नहीं, आप अच्छा सुनाएंगे। हाँ, तो नजरुल जी का दो पंक्ति में बोलना चाहती हूँ। आम्रा सबाई पापी अन्नेर बाट पापेर बाट खड़ा दिए अन्नेर पाप मापी। इट मीन्स हम लोग सारे के सारे हम लोग दूध के दुल्हे हुए हैं, बस अगर हम टीएमसी में हैं तो हम बीजेपी वाले बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो चोर है, ये तो डकैत है, ये है, लेकिन जब बीजेपी में चले जाएंगे तब हम एकदम साधु बन गए। तो वैसे ही जब बीजेपी में ये लोग चले जाते शिफ्ट करते, तब वो लोग बन जाते हैं कि तब हो जाते हैं कि खराब टीएमसी के, जैसे कि टीएमसी का जो मेंटेलिटी है। तो ये लोग यही एक बाइनरी गेम प्ले यहाँ पे खेल रहे हैं, इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि लोगों का जो असली मुद्दा है बंगाल का, वो भटक जाए, वो असली मुद्दे को सामने लाना ही नहीं चाहते। यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप बोलो, डेवलपमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे के सारे खत्म हो गई है। और ये जो डेवलपमेंटल जो पॉलिटिक्स है, ये आज जाके हम लोग लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलाई है, और खास करके राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब जो हमारे श्री अधर रंजन चौधरी जी है, उनके लीडरशिप में हम लोग उमदा काम कर रहे हैं फील्ड में। तो यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सभी आओ, ये गणतांत्रिक एक लोकतांत्रिक एक प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप धर्म के आधार पर या फिर दूसरे किसी ऐसी चीजों के श्रेणी के आधार पर, ऐसे दूसरी चीजें सारी चीजों के आधार पर आप वोट मत मांगो। एक फेयर इलेक्शन करो, वहां पे डेवलपमेंट की बात हो सिर्फ, और डेवलपमेंट के आधार पे ही ये वोट, ये लड़ाई। राइट राइट दादा, मैं आ रहा हूँ रिजू, आप ही के पास आ रहा हूँ। बुआ भतीजे की पार्टी कोई काम नहीं कर सकती, अब दरअसल यही है, जाने वाला तो आपके ऊपर यही इल्जाम लगा रहा, और जितने गए उन्होंने सबने यही इशारा किया आपके ऊपर। तो ठीक है, इनको तो इलेक्शन से 2 महीने पहले ही ये लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये लोग का दम घुटता है, ठीक है चलो, ये तो सब दर्शकों को पता है असलियत क्या है। ये इन लोगों को खुद को जेल जाने से बचाना है, किसी को अपने काले पैसे को पार करना है, ये बहुत कहानियां हैं, ये दर्शक सब जानते हैं, वोटर सब जानते हैं। मैं कुछ जवाब पहले देना चाहता हूँ प्रतीक जी, पहले तो मैं संदीपा जी के पास आना चाहता हूँ। संदीपा जी, मेरा आपसे 2 छोटे-छोटे सवाल है, उसके बाद एक छोटे भाई के तौर पे एक नसीहत है, बस और कुछ नहीं। पहला सवाल, केरल में आप, इलेक्शन है बंगाल जैसा, केरल में आप और सीपीएम में तो गोलाबाजी, दंगा, मारामारी सब चीज हो रहा है, यहाँ पर आप लोग एक ही कप में 2 स्ट्रॉ डाल के एक साथ पी रहे हैं और बोल रहे हैं बंगाल की भलाई करेंगे, ये कौन सी विचारधारा है, ये तो मेरे समझ के खिलाफ है। मणिपुर में टीएमसी बीजेपी के साथ नहीं है,
मणिपुर में टीएमसी का कोई एमएलए नहीं है। दोपहर को मैं आपका लीडर पवन खेरा जी के साथ था, आप चिंता मत कीजिए, मणिपुर में कोई एमएलए नहीं है टीएमसी का, पहले अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। दूसरा सवाल, बंगाल में इतना धुआंधार इलेक्शन हो रहा है तो आप लोग तो गांधी परिवार के अधीन में है, गांधी परिवार का एक भी सदस्य बंगाल में क्यों नहीं है? राहुल बाबा कहां है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पहले जवाब दीजिए। और तीसरा तो ये आपके पार्टी के छोटा जवाब दे दिया आपको कि आप तो बंगाल की निवासी, अब आप एक औरत है, आप ही औरत के नाम पे ही स्वास्थ्य साथी का कार्ड बन रहा है, सरकार और टीएमसी सरकार दे रही है, करा लीजिए, आप ही को स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का मिलेगा, आप ही के परिवार को मिलेगा, तो उसका लाभ उठाइए, बीजेपी के अध्यक्ष के परिवार ने भी बना लिया। ये डेवलपमेंट का जवाब आपको मैंने दे दिया। आरपी सिंह जी ने कहा राइट संदीपा, आप थर्ड पॉइंट को ही कह रहे थे, जो थर्ड पॉइंट नहीं सुन पाया मैं आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा। ऑफकोर्स आरपी सिंह साहब आ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मेरा थर्ड पॉइंट यही था कि वो स्वास्थ्य साथी कार्ड बना ले, क्योंकि ये औरत के नाम पे और उनके परिवार को सुविधा मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख। अरे क्या, अब आरपी सिंह सुने, एक मिनट, रिजू संदीप का हॉस्पिटल तो मैं आरपीजी सिंह को थोड़ा याद दिला देता हूं, वो भी टेंपरेरी है, वो दूसरे स्टेट में वैलिड भी नहीं है, क्या करूं मैं उसका। 2014 के गुजरात के सारे जुमलाबाजी, सारे के सारे जुमलाबाजी, लोग मिलके यहां पर शेर सुनाया ना, तो मैं सारे के अरे ठीक है, पहले तो एक मिनट संदीपा तो जो कट मनी लिए हो वो तो वापस करो, प्रतीक जी को बंद करो, उसके बाद यहां पे आके दूसरी चीजों के बारे में। ठीक है संदीपा, राइट संदीपा, राइट संदीपा, योर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। अब सबने यहाँ पर बहुत शेर सुनाया, तो मैं आरपी सिंह जी, संदीप राठी जी और बाकी सारे सदस्य और संदीपा जी को भी एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ, और वो ये है कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, ये तो आपकी पार्टी में बैठ गया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान और बंगाल किसी के बाप की थोड़ी है। नहीं, यही तो ये शेर तो लोग कह रहे हैं कि टीएमसी को सुना रहे हैं, सारे लोग टीएमसी को सारा शेर सुना रहे हैं। तो इसीलिए क्लियर कर दिया, अभी तो इलेक्शन टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ है नहीं, अभी ये इलेक्शन है ममता बनर्जी ओरिजिनल टीएमसी वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैंने क्या बोला प्रतीक जी, कि ये जो सीएमसी गवर्नमेंट है वो वन वुमन शो चला रहा है पिछले 7-8 साल से, और कुछ नहीं चल रहा है, वन वुमन शो। ठीक है, वन वुमन शो, ठीक है। मैंने बात सुनी आरपी सिंह साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद मैं आपके पास हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। आपका एक बार फिर स्वागत है, सीधे डिबेट में रुख करते हैं। मैंने कहा था कि अवधेश कुमार जी को एक मौका मिलना चाहिए, उन्होंने कहा था पहले, ब्रेक से पहले भी बोला था। जी ऑफ कोर्स सर, मैं अवधेश जी को दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ सिंह साहब। प्रतीक जी, हमारा वैसे तो डिबेट दिनेश शर्मा जी पर है, मैं अब बता रहा हूँ, मैं चाहता था और चाहता हूँ कि देश में भाजपा के समानांतर वामपंथी पार्टियां भी वैचारिक रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति और चरित्र के अनुरूप खड़ी हो, लेकिन हम तो खड़ी नहीं कर सकते है ना। जो आमिर हैदर जैदी जी कह रहे थे, देखिए वो सारे दंगे थे और दंगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक हिंसा पर कर रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस पर कर रहे हैं, जहां सरकार में रहने वाली पार्टी या सरकार के बाहर रहने वाली पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर विरोधियों को कुचले, उनकी हत्या करे, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और जो जो वो कह रहे थे कि भैया तो
क्या कोई सपोर्ट करेगा कि सीपीएम या सीपीआई के कार्यालय पर कोई हमला कर दे, तोड़ दे और हम लोग उसको जो है स्वीकार कर लेंगे? लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूं अब देश को भी जानने के लिए। 1971 में प्रतीक जी फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार थे, वो बड़ी चर्चा हुई थी, हेमंत बसु उनका नाम था, वो सीपीएम के खिलाफ खड़े थे, सीपीएम को लग रहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, सीपीएम के लोगों ने हमला कर दिया, हेमंत बसु मर गए और वो चुनाव कैंसिल हो गया। दोबारा एक उम्मीदवार अजीत कुमार खड़े हुए फॉरवर्ड ब्लॉक के, उनकी भी हत्या हो गई। आप समझ लीजिए कि सीपीएम उस समय पावर में नहीं आई और ममता बनर्जी को नेता वामपंथियों ने बनाया 1990 में। सबको पता होगा जब वो डेमोक्रेटिक रिजु क्लैरिफाई करिए, मैं आता हूँ। मार्गव सिंह सर, ममता बनर्जी का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो 7 बार की एमपी है, 4 बार की एमएलए है, वो खुद बनी अपने दम पे बनी है, उसको सीपीएम कांग्रेस के नेता कोई नहीं बनाया, उन्होंने तो सीपीएम को ही उखाड़ के फेंक दिया। सीपीएम क्या बनाएंगे? आप सुने ही नहीं, आप लोग क्या बात करते, कहां कहां से इतिहास लेके आ जाते हैं। यही लगता है कि सब खिलाफ ही बोले। सुन तो लो, 1990 में ममता बनर्जी एक छोटी रैली कर रही थी, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन सीपीआईएम का संगठन था, लाठी डंडा तलवार से ममता बनर्जी पर हमला कर दिया, सिर फाड़ दिया और लहू लुहान हो गई। और ममता बनर्जी का एक बड़े नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में उत्थान वहीं से हुआ है। और दोबारा भी उनको सत्ता में लाने में 2006 से 2008 तक सिंगूर नंदीग्राम में उन पर जिस ढंग से हमले हुए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, वो लीडर बन गई है। अब सीपीआईएम ने लड़ाई नहीं लड़ी है, बीजेपी जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथियों के साथ लड़ाई लड़के अपने को लीडर बनाया, वैसे ही बीजेपी ममता बनर्जी और टीएमसी से लड़ाई लड़के बना रही है। आरबी सिंह साहब, राइट राइट, आरबी सिंह साहब जी, वामपंथियों ने नहीं बनाया अपने आप को। आपकी आज की जो डिबेट थी वो थी दिनेश जी के ऊपर, जो छोड़ कर गए। मैंने बैठ क्योंकि आज आपने खूब शेर शरी कर, तो मैं कहा दो लाइन मैं भी अपनी, अब ये अपनी मेरी अपनी लाइन है। अच्छा, आप लिखते हैं, लिखने का शौक रखते हैं सर? कभी कभी आपकी आपने इतना कुछ कर दिया तो मुझे भी मौका दे दीजिए ना। कल तक अपने थे तो चांद तारे थे, आज जब छोड़कर चले गए हैं तो नकारे हो गए हैं। ये इनके लिए जब भी कोई इनको छोड़कर जाएगा उसको ये नकारा है। अरे सर रिजू साहब, मैंने आपको टोका नहीं, देख अरे अभी मैं आपकी इसी डिबेट में आता हूँ। अरे सुनो दोस्त, अरे सुनो, अरे सुनो, आपके यहाँ आपके 90% स्कूलों में टेबल डेस्क नहीं है। 90% बंगाल के 90% स्कूलों में टेबल डेस्क नहीं है। 30% स्कूलों में क्लासरूम नहीं है। 30% स्कूलों में क्लासरूम नहीं है। 10% स्कूलों में बिजली नहीं है। आपको जानकारी है, ये है आपके बंगाल का हाल। वहाँ पर 55% खेतों में पानी की सुविधा नहीं है। ये बंगाल का हाल। इसके अलावा आपको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आपने 6 साल में सिर्फ कट मनी कमाया, लूट करी और भाई भाई के बाद किया आपने, ठीक है? उसके कारण से लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो जब कोई छोड़कर जाता है तो नकारा जाता है। सुनिए, अब ममता दीदी का बीपी संभालो, झगड़ा करती है, मेरा बीपी ठीक है, अब ममता दीदी का बीपी संभालो, जो जय श्री राम के जयकारे पर जिनको दिक्कत हो जाती है। महंगाई की बात, अब की बार बंगाल में बीबी की सरकार, ये है। हाँ, ये आप नारा लगाते रह जाना, लोग आपको जय श्री राम का जयकारा लगा कर बता देंगे। तो बोलिए, हम लोग बता रहे हैं आपको, बंगाल की जनता ने, आपका बंगाल की जनता सिर्फ जय श्री राम पे, जिन स्कूलों में टेबल देंगे, स्कूलों में बिजली देंगे, स्कूलों में यूनिवर्सिटी देंगे, बच्चों का किताबें देंगे, उससे बात कर रहे हैं ना, फिर बंगाल की आप बात कर रहे हैं ना, जिससे 90% स्कूलों में टेबल देंगे। बीजेपी का तो दिल्ली, अरे मैं वापस कह रहा हूँ, आप ध्यान रखना जो कह रहा हूँ, 55% खेतों में पानी नहीं है आपके यहाँ। आपकी इंजेक्शन पता क्या है? बंगाल बंगाल हब होता था, बंगाल गढ़ होता था दवाइयों के लिए, फार्मास्यूटिकल का हब होता था। 70% बंगाल में, देश की फार्मास्यूटिकल का 70% बंगाल में होता था। आज क्या रह गया बंगाल? संदीपा, संदीपा, सारी इंडस्ट्री बाल बना दी, आपके रोजगार बंद कर दिया। सबको दोनों को, हाँ, बीजेपी और टीएमसी दोनों को, कि बीजेपी वालों को टीएमसी
और ममता बनर्जी के ऊपर आभार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो घास फूल जो इन लोगों का सिंबल है टीएमसी का, ये घास फूल के पीछे ये कमल खिला है बंगाल में पिछले 20 साल से। तो आभार रहना चाहिए बीजेपी को टीएमसी के पास। और सबसे बड़ी बात ये है, आज के डेट में जैसे कि हम लोगों को फर्निश्ड फ्लैट चाहिए होता है, तो वैसे ही जैसे कि बीजेपी आई है पूरे तादाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे आके एक पूरा सेट ऑफ पीपल मिल गया, एक टर्न की प्रोसेस हो गया, एक टर्न की प्रोसेस हो गया कि मैं दरवाजा खोलूं। मैं आ रहा हूँ रागी साहब, आ रहा हूँ रागी साहब, कुछ कहना चाहते हैं जी? संगीत रागी साहब, प्रतीक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि टीएमसी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उभार जो है बंगाल में वो टीएमसी के कारण है। तो ऐसे ही तो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं सारी विपक्षी कारण, विपक्षी दल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस को ही पराजित करके पैन इंडिया अपना चरित्र बड़ा डेवलप किया है। एक दूसरी बात, लेट अस देखिए, तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ, बस तीन बातें। आप सुन लीजिए, देखिए मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप बोलते रहिएगा, बोल लीजिएगा। संदीपा, पहले कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन थी और आज के डेट में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप बताओ ना। 300 से ले 300 के पार जाके 4000 ऑर्गेनाइजेशन आ रहे थे, क्या आप बताओ ना। आपको आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए टीएमसी के प्रति। ठीक है संदीपा, मैं अपनी बात कर, देखिए इस्तीफा क्यों हो रहा है, इससे इस्तीफा हो रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी अब एक कोई नया राजनीतिक प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। जैसे बहता हुआ पानी हो तो उसमें ठहराव नहीं होता है, वो निरंतर चलते रहता है। राजनीति में आप नए नए प्रयोग करते रहते हैं तो आपका, आपके साथ आपके काडर भी जुड़ते रहते हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास कोई अब नई विधा नहीं रह गई है, इसीलिए वहां पर एक ठहराव है, बदबू इसी कारण से। दूसरा, सीपीएम और कांग्रेस के बीच का जो गड़गोड़ है ये अनायास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय दफ्तर है, राहुल और प्रियंका दोनों के पास आज के दिन में जेएनयू ब्रिगेड की एक टीम है जो पीछे काम कर रही है, और ये कह सकते हैं कि यही जो वामपंथ का जिन है कांग्रेस में प्रवेश किया है, जो कांग्रेस को भारतीयता के धरातल से भी खड़ा कर रहा है, और जो एक कहावत होती है कि हम तो डूबे ही सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो कांग्रेस जो है वो आज के डूबने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण वामपंथ भी है। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोनों हाशिए पर चले गए हैं, तीसरे चौथे नंबर पर चले गए हैं। अब ये तीसरे और चौथे दोनों एक मिलकर के दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, विचार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप आकर के लोग विचारवान बन जाते हैं, क्या उनको मैं कहूंगा कि बालकांड जरूर पढ़ना चाहिए तुलसीदास का। जब आप विचारों के संपर्क में आते हैं तो आप में भी सुधार होता है। यही कारण है कि जो लोग कल भारतीयता के खिलाफ खड़े होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जय श्री राम के नारे के साथ खड़े हो गए, राम मंदिर के साथ खड़े हो गए, सीएए बिल के साथ खड़े हो गए। और जो भारतीयता से खड़े, इसके विरोध में खड़े होते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस में जा करके वो बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो संगति का असर तो सुन लीजिए, आमिर आदर जदी साहब का नाम बुलाया मैंने, देखिए प्रत्येक भाई संगीत रागी साहब ने एक नई कहना चाहिए परिभाषा घड़ी के, राजनीतिक विरोधी काफिर होते हैं, और काफिरों को कहना चाहिए ये काम आज बीजेपी कर रही है, जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं या राजनीतिक काफिर हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर जेल भेज रही है, या उन्हें लालच देकर अपने यहाँ शामिल कर रही है, या उनकी हत्याएं करा रही है, धमकाने का काम कर रही है। तो ये काम बीजेपी आज बखूबी कर रही है। संगीत रागी जी, मुद्दा हो जाएगा, कहने वाले ने कहा था सब पना हो जाएगा। आप बोलिए, संदीपा बोलिए, बोलिए बोलिए संदीपा, वन बाई वन। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, ये लोग जैसे बीजेपी लोग जैसे राम सिया के ऊपर या फिर श्री राम बोल के वोट मांगते हैं, ये कोई तरीका नहीं है वोट मांगने की। आप सिया की आपसे
धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हो। ये भारत देश जो है सर्व धर्म समन्वय की देश है। ये सड़कों पर दंगा करने करके और समुदाय को जो है वो पोलराइज करने वाले बड़े सेकुलर हो जाते हैं, अजीब तमाशा है। और उनका यदि विरोध कर दिया जाए तो सेकुलर दंगा होगा। हमारे संविधान में पश्चिम बंगाल में कब्जा कर संदीपा ने कुछ कहा बीजेपी के लिए। आरपी सिंह साहब, सेकुलरिज्म की जो धजिया जो बात सेकुलरिज्म की राइट संदीपा राइट संदीपा तो इसका मतलब ये है कि सेकुलर वर्ड जो है वो तो संविधान में ही है। तो अगर आप सेकुलर को और सेकुलरिज्म को अगर आप नहीं मान रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग संविधान को भी नहीं मान रहे हो। संदीपा राइट संदीपा, मोस्ट डिस्टॉर्टेड एंड मोस्ट परवर्टेड एंड स्पूरियस कॉन्सेप्ट। राइट 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 राइट। ये अरे सुन लीजिए सर, मैंने टोका नहीं। ये देश सेकुलर सिर्फ संविधान के कारण से नहीं है। ये देश इसलिए सेकुलर है कि यहाँ पर बहुमत हिंदुओं का है, यहाँ पर हिंदू सोच है, इसलिए सेकुलर है देश। ये ध्यान रखना बात का हमेशा आप, और इसमें कोई दो मत नहीं है सर। इसलिए सेकुलर है, मैं वापस कह रहा हूँ और बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ और सिख होकर कह रहा हूँ, क्योंकि ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि ये देश हिंदू बहुमत देश है। बहस आज अभी बस सिर्फ इतनी, कल फिर होगी मिली मुलाकात। बने रहिए आप हमारे साथ।